धर्म क्या है? धर्म का अर्थ होता है धारण करना। आपके अंतर मन में जो छिपा है अविज्ञेय अदृश्य परमात्मा, उसको धारण करना धर्म है। उसको धारण करने की प्रक्रिया धर्माचरण है। जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से वो प्राप्त होता है, उसे धर्माचरण कहते हैं। धर्माचरण एक आचरण है जो योगात्मक है, साधनात्मक है। साधना करके, साधना के परिणाम में परम तत्व परमात्मा को प्राप्त हो जाना ही धर्माचरण है। धर्म को कहाँ से प्राप्त करें? आत्मज्ञानी संत सद्गुरुओं से, उनकी कृपा प्रसाद से आपको धर्म का मार्ग मिलेगा। और जब उस पर आप चलोगे, आचरण करोगे, तो परिणाम में मोक्ष, मुक्ति, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। धर्म के अंग होते हैं शरीर, मन, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। हमारे शरीर, हमारी इंद्रिय और मन के अंदर जो विकार हैं, जो वासनाएं हैं, जो अज्ञान है, अविद्या से जो कलुषित है हमारा जीवन, उस अविद्या का नाश करना, जिसके लिए योग साधना को कार्य रूप देना होता है। यदि आप योग साधना करते हैं तो आप परम तत्व परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। परमात्मा समाधि का महान फल है। उसी अवस्था को अद्वैत मुक्ति निर्वाण कहते हैं। तो धर्म है जो सत्य नित्य चैतन्य आत्मा है, अद्वैत अभिज्ञ, उसको प्राप्त कर लेना धर्म है। सत्य सनातन आत्मा को जान लेना, अनुभव कर लेना धर्म है। धर्म के मार्ग पर चल करके मनुष्य जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, भव बंधनों से मुक्त हो जाता है, कारागार से मुक्त हो जाता है और शुद्ध चैतन्य जीवन प्राप्त कर लेता है। धर्म की दिव्यता, अलौकिकता यही है कि वो आपको मुक्ति दे देता है। धर्म की पथ पर चल के ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, ज्ञानी, सिद्ध, सभी ने मुक्ति पाई, सभी ने आत्मज्ञान पाया है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए किसी विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है, या जंगलों में आकर रहने की आवश्यकता नहीं है। आप पृथ्वी पर कहीं भी रहते हो, धर्म का आचरण कीजिए, अपने शरीर पर संयम कीजिए, मन पर संयम करो, भावनाओं पर संयम करो, इसके लिए निरंतर ध्यान करो, जप करो, तो आप धार्मिक हो। तस्य वाचक प्रणव, आप ओम का जप करिए, मानसिक परमात्मा की सेवा करिए, आप धार्मिक हो। धार्मिक होना आंतरिक योग्यता है। परमात्मा निर्दोष, सम, शांत और स्थिर है। और इधर ध्यान करते करते योगी का मन शांत, सम, निर्दोष हो गया, तत्क्षण वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है या ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्म को प्राप्त करने की एक कसौटी है कि आपका मन शिशु की भांति निर्मल हो जाए, पावन हो जाए, संस्कार रहित हो जाए, आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो मन को शुद्ध करने के लिए, निर्मल करने के लिए, पावन बनाने के लिए जो आचरण है वो धर्माचरण है, साधनात्मक, सात्विक। हमारे मन में तीन गुण होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। इससे अनंत प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। तीनों गुणों से ऊपर उठने का जो प्रोसेस है,
डायमेंशन वो भक्ति है, परमात्मा की भक्ति आप करते हैं तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं आकाशवत, उसी अवस्था में आप पूर्ण धार्मिक हैं, धर्म से संयुक्त हैं, आपके शरीर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार में धर्म प्रवाहित है। उससे पहले उस अवस्था को पाने के लिए आचरण किया जाता है, उस आचरण को समझने के लिए आप योग दर्शन गीता जैसी किताबें पढ़ सकते हैं और साधना में लग सकते हैं, आपको मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, यही धर्म का परिणाम है। ओम।